नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों के हित में आज गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब गन्ने का मूल 372 हो जाएगा। ये इसी पेराई सत्र से लागू होगा। संत कबीरदास कुटीर पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमने समय समय पर किसानों के हित की रक्षा की है। देखिए, एक तथ्य क्या है, मेरे पास एक रिपोर्ट है इसमें, 2000 अगर मैं बात करूं 4-5 की, तो 2004-5 में चीनी का रेट उस समय 1726 रुपए था शुगर प्राइस, और गन्ने का प्राइस वो देते थे 135 रुपए, यानी कुल मिलाकर के 7.93% होता था जो चीनी का मिल था, उसमें से 7.93% ही गन्ने का रेट होता था। बहुत कम था गन्ने का रेट, चीनी का रेट काफी ज्यादा था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, अब उन्होंने बढ़ाया, हमने बढ़ाया, बढ़ाया तो ही उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया, लेकिन चीनी के रेट जैसे बढ़ने चाहिए थे 1726 2004 में है, और आज 3400 रुपया है, सिर्फ डबल हुआ है, और गन्ने का रेट 135 रुपए था जो मैं बता रहा हूं, ये 1726 135, और 135 से आज 372 हो गया, तो तीन गुना हो गया, 372 कर रहे हैं। अब चूंकि हम हरियाणा में हम इतना कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं, अन्यथा कमर्शियली ये चीजें, और किसान भी इस बात को समझता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ यूनियंस ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि भाई नहीं, हर बार किसान की बात बोलनी है, कुछ बढ़ना चाहिए, उनका अपना काम है, बोलेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक इशू न बनाया जाए, न तो हमारी विपक्षी पार्टियां बनाए इसको, और न ही हमारे कुछ एक ऐसे यूनियन के लीडर भी ऐसे खड़े हो गए हैं जो सीधी सीधी राजनीति करते हैं, वो राजनीतिक पदाधिकारी भी बन चुके हैं, तो इस प्रकार से जोर से बोलने से बात नहीं बनती। हाँ, किसानों के हम हमदर्द हैं, किसानों के हितैषी हैं, और आज भी पंजाब को अगर छोड़ दें तो उत्तराखंड का भी रेट आज 355 रुपया है, और उत्तर प्रदेश का 350 रुपया है, जिसको आज हम 372 कर रहे हैं, तो सारे देश में आज भी हम आगे हैं। पंजाब का अपना उनका एक प्रकार है सोचने का, क्या सोचा होगा, हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि चीनी का रेट 3700-3800 हो जाएगा, और आज उनकी पेमेंट बकाया क्यों है, क्योंकि वो भी कोऑपरेटिव मिले चलाते हैं, तो कोऑपरेटिव मिल को उनको भी लोन देना पड़ेगा, वो लोन देंगे तभी पेमेंट होगी, लोन देने की स्थिति उनकी है नहीं, हमारी स्थिति है इसलिए, लेकिन फिर भी लोन तो लोन है। देखिए, ये जो ई टेंडरिंग तो हमने बहुत पहले कर दी थी, एक साल पहले हो गई थी, उस समय ये ठीक है कि पंचायतें उस समय नहीं थी, सारे काम स्मूथ चल रहे थे, पंचायतें आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ई टेंडरिंग में ये जो ई टेंडरिंग से उनका विरोध नहीं है, उनका तो कहना ये है कि हमें इससे कोटेशन के आधार के ऊपर इसकी लिमिट और बढ़ाई जाए, हम चाहते हैं पारदर्शी सिस्टम बने, पारदर्शी ई टेंडरिंग से ही होता है और उसमें कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है, जो उनकी शिकायतें और थी कि इसमें देर लगती है, उसके लिए हमने टाइम टेबल बदल दिया, जो 21 दिन का था, जो छोटे टेंडर हैं 25 लाख तक 7 दिन में होंगे, 1 करोड़ तक 15 दिन में होंगे, 1 करोड़ से ऊपर के जो है वो 21 दिन में रहेंगे, और जितने ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी बहुत ज्यादा उनके ऊपर शर्तें ना लगा करके उनको हमने रजिस्टर करना शुरू किया है, लगभग 700 के लगभग इस समय तक कॉन्ट्रैक्टर ने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया है। हमारी अपेक्षा तो ये है कि हर जिले में 100-100 कॉन्ट्रैक्टर छोटे हो सकते हैं, और वो छोटे टेक्निकल बहुत ज्यादा उनकी वो भी नहीं है, उन्होंने रखी है कंडीशंस, लेकिन जो लोग नए आएंगे छोटे काम नए कर सकते हैं। उधर गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में रविदास जयंती को लेकर बैठक हुई। इस दौरान रविदास जयंती और अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 29 जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। बैठक में अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस बार हरियाणा में 3 जगहों पर रविदास जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रविदास जयंती के कार्यक्रम नरवाना, गुरुग्राम, यमुनानगर में रखे गए हैं। नरवाना में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। यमुनानगर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत चौटाला रहेंगे और गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे। सभी
संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हरियाणा में तीन जगह मनाई जा रही है, नरवाना, यमुनानगर और गुड़गांव। 3 फरवरी को एक साथ 3 कार्यक्रम होंगे। नरवाना में मुख्यमंत्री जी रहेंगे, यमुनानगर में हमारे गौतम जी रहेंगे और यहां पर जो है अर्जुन राम मेघवाल जी रहेंगे। बाकी भी जो स्टेट के वरिष्ठ नेता हैं अपने अपने इलाके के हिसाब से इसमें उपस्थित रहेंगे। और हरियाणा सरकार ने, आपने देखा है कि कई वर्षों से संत महापुरुषों के जो जयंतियां हैं उसको सरकारी समारोह के रूप में मनाना शुरू किया है। 3 स्थानों पर भव्य समारोह होगा। उससे पहले एक बड़ी रैली हम 29 तारीख को अमित शाह जी। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। गुरुग्राम में 26 जनवरी को देखते हुए 4500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुबह साथ ही आज रात 9:30 बजे से कल दोपहर 1:30 बजे तक भारी वाहनों को एंट्री बंद कर दी गई है, जिसके बाद रूट का भी डायवर्जन किया गया है। एसपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो 4500 पुलिसकर्मी 26 जनवरी के मद्देनजर शहर भर में तैनात रहेंगे। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और होटल्स के आसपास खुफिया तंत्र के साथ चेकिंग को और पुख्ता किया जाएगा। डीएम गुरुग्राम ने यह आदेश जारी किया है कि साइबर सिटी में अगले आदेशों तक ग्लाइडर, ड्रोन, पतंग प्रतिबंधित रहेंगे। तो 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में 4500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए हैं। 4500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो सुरक्षा है उसको उसके कड़े इंतजाम किए जाएं। साथ ही साथ भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। साइबर सिटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। छब्बीस जनवरी को मद्देनजर रखते हुए हमने विशेष पुलिस प्रबंध की व्यवस्था की है और हर जगह हमने पुलिस की तैनाती के ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्लान बनाया है और उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की तैनाती की जा रही है। लगभग 4500 के करीब हमने पुलिस कर्मचारी उसमें डेप्यूट किए हैं और वो चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे और कोई भी इस तरह की घटना ना हो जिससे कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा सके, हम विशेष चौकन्ना है। और हमने ये भी धारा 144 के तहत डीसी साहब से ये ऑर्डर हुए हैं कि कोई भी आदमी वो ड्रोन या ये इनको नहीं उड़ा सकता। उधर 26 जनवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर हरियाणा कांग्रेस की जनरल बॉडी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी डेलीगेट्स की बैठक बुलाई गई है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को जो समर्थन मिला है उसको लेकर सभी का धन्यवाद। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। उदय भान ने कहा कि चार्जशीट में केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को आमजन के साथ साझा किया जाएगा। चार्जशीट सैंपल के तौर पर सभी नेताओं को दे दी गई है। वहीं इस दौरान प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा 10 रूपये बढ़ाने से किसानों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। पंजाब सरकार भी हरियाणा के किसानों से ज्यादा गन्ने के दाम दे रही है। 400 रूपये प्रति क्विंटल भाव तो सरकार को किसानों को देना ही चाहिए। देखिए, ये जो 10 रूपये आज बढ़ाए हैं ये हरियाणा के किसान के साथ भद्दा मजाक किया है। सरकार लागत इतनी बढ़ा दी। देखिए, हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ही ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। अब जीएसटी लग गई, सब पे टैक्स लगा दिए और लागत तो इतनी बढ़ा दी। खाद मिलता नहीं, अब भी लाइनों में लगे रहते खाद। और भाव क्या बढ़ाया? 10 रूपये। ये एक भद्दा मजाक किया है। कम से कम अगर बोनस दे अपनी तरफ से सरकार। अब पंजाब में 50 रूपये प्रति क्विंटल जो भाव देते हो तो
330 दिया, 380 सी बात थे उनका कि 50 रुपए क्विंटल किसान को सीधा पंजाब सरकार दे रही है, जबकि वहां रिकवरी 10% से कम है और यहां हरियाणा में 10% से ज्यादा रिकवरी है। तो यहां कम से कम भाव किसानों की मांग तो 450 है, बात भी ठीक है, उनकी मांग जायज है, लेकिन 400 तो आप तुरंत देना चाहिए था सरकार। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। देश के कई राज्यों और शहरों में फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भी पठान को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिनेमाघरों में घुसकर फिल्म के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने शो को बंद करवा दिया और दर्शकों ने पीवीआर से निकलकर बाहर, और इस दौरान बजरंग दल ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो जहां एक तरफ शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अब भारी विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सिनेमाघरों में पठान फिल्म लगी और जिसको देखने के लिए दर्शक पहुंचे, तो वहीं पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और शो को बंद करवा दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए और फिल्म का बहिष्कार करने की बात कही। तो 25 जनवरी यानी कि आज सिनेमाघरों में पठान फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन रिलीज होने के बाद से ही अब उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघरों में घुसकर इसके खिलाफ विरोध किया और शो को बंद करवा दिया। वहीं अगली खबर झज्जर से है, जहां एक महिला की छत से गिरने से मौत हो गई। पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिवारजनों ने बताया कि युवती मंगलवार की दोपहर छत पर उपले बनाने के लिए गई थी, अचानक पैर फिसलने की वजह से वह छत से नीचे गिर गई। आनन फानन में परिजनों ने पीड़ित को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और जिसके बाद पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव को परिजनों को दे दिया गया है। तो छत से गिरने की वजह से महिला की मौत हो गई है। बता दें कि महिला उपले बनाने के लिए छत पर गई थी, ऐसा परिजनों की तरफ से कहा गया है, और इस दौरान उसका पैर फिसल गया और जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। हालांकि मौत की वजह सिर पर चोट लगना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के दौरान की सारी वीडियोग्राफी भी करवाई है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवारजनों को सौंप दिया गया है। हमने ये कल भाई 2 बजे करीब हमें सूचना मिली, फोर लेट रुक आया था भाई, यहाँ छत पर से नीचे गिर गई है, वो बता दी झटने वाले पक्के पे, तो ब्लडिंग हो गई, यहाँ डॉक्टर साहब ने ब्रोडेड घोषित कर दिया। अभी बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, इसके बाद जो भी है वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, वो भी बोर्ड द्वारा जो भी आएगी
बाकी उनका भाई ने था कंप्लेंट दी है। उधर गणतंत्र दिवस को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया। इसी कड़ी में फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। आने जाने वाले यात्रियों के बैग चेक किए गए। इस दौरान बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम भी तैनात रही। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पर ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। बता दें कि सेक्टर 12 के हेलीपैड मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री संदीप हुड्डा झंडा फहराएंगे। तो गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि रेलवे स्टेशन और सड़कों पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने भी चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे यानी कि रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों की भी चेकिंग की गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ ये पूरी चेकिंग की जा रही है। अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उधर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पुलिस और जिला प्रशासन गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। फरीदाबाद में अगर 26 जनवरी की बात की जाए तो 26 जनवरी की सारी तैयारियां फरीदाबाद के अंदर हो चुकी हैं। फरीदाबाद में जो झंडा फहराने का काम जो है बनवारी लाल जी मंत्री जी हैं वो करेंगे, और बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए बल्लभगढ़ में जो कृष्णपाल गुर्जर हैं वो झंडा फहराने का काम करेंगे। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन रोडों पर एकदम कड़ी चेकिंग कर रहे हैं। डॉग की बात की जाए डॉगों से भी चेकिंग की जा रही है, और बम विस्फोटक की बात की जाए तो बम विस्फोटकों से भी चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जहां पे पब्लिक पैलेस वाली जगह है वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। रात में भी पुलिस प्रशासन भारी व्हीकल जो फरीदाबाद में एंट्री करते हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। और प्रशासन में आपको दिखा दूं रोडों पर कति मुस्तैद खड़े नजर आ रहे हैं। और इसी में फरीदाबाद जो प्रशासन है उनसे एक बार बात कर लेते हैं प्रशासन से कि उमेश जी जिस तरीके से 26 जनवरी को लेकर किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हाँ, हमने नाके लगा रखे हैं और पूरे शहर में नाके लगवाए हुए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। संदिग्ध वाहनों को हम चेक कर रहे हैं और मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। फरीदाबाद में अगर जैसे बल्लभगढ़ की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में भारी व्हीकल हैं जो रात में एंट्री करते हैं उन पर किस तरीके का नकेल का प्रशासन करता है। हाँ नहीं, वो रूट डाइवर्ट ऑलरेडी किया जा चुका है और अखबार में टीवी के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया था और बता दिया गया था। और कम से कम 2000 के करीब श्रीमान सिप्पी साहब ने पुलिस मुलाजमों को 26 जनवरी ड्यूटी के लिए तैनात किया हुआ है जो मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। चप्पे पे पुलिस है। आला अधिकारियों की बड़े अधिकारियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कोई गाइडलाइंस आपके लिए जारी की गई होंगी तो उनकी तरफ से क्या आदेश आपके हो? हाँ नहीं, नाका और पेट्रोलिंग और लगातार जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो प्रशासन की अगर बात करें तो ये हमारे बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इंचार्ज थे उमेश जी, इन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से अपनी मुस्तैद यहाँ पे बल्लभगढ़ चाक चौबंद कर रखा है। हर तरीके से हर वाहन पे बड़े वाहन की बात की जाए या छोटे गाड़ियों की बात की जाए तो सारी गाड़ियों को चेक करके आगे के रूट पे भेजा जा रहा है। और भारी वाहनों की बात की जाए तो भारी वाहनों को फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अंदर एंट्री नहीं की जाने दी जा रही है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए जयप्रकाश भाटी।
वहीं अगली खबर झज्जर से है, जहां कच्चा बाबर रोड के पास स्थित मोहल्ले में एक किशोरी ने फांसी लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान डीएसपी राहुल देव भी मौके पर पहुंचे। जिस वक्त किशोरी ने फांसी लगाई उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किशोरी के माता पिता ड्यूटी पर गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि किशोरी अपने माता पिता से अक्सर मोबाइल फोन मांगती थी। फोन किशोरी के पिता के पास रहता था। मंगलवार को सुबह के समय फोन को लेकर किशोरी और उसके माता पिता के बीच बहसबाजी भी हुई थी। तो किशोरी ने फांसी लगाई है, यह पूरा मामला झज्जर से सामने आया है, जहां पर पिता ने फोन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद युवती ने फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा लिया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस की ओर से यह कहना है कि पिता और युवती के बीच में, यानी परिजनों के बीच में, ये अक्सर फोन को लेकर विवाद होता था और इसी विवाद के चलते प्रारंभिक जांच में पाया जा रहा है कि युवती ने फांसी लगाई है। ये गलत की ना फांसी खा ले रहने कॉलोनी में, जो भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इसके माँ बाप डिगल का काम के लिए गए हुए थे, जो आने के बाद दरवाजे खुला जो हुई अपने ही घर में, ये किराए के मकान में रह रहे थे इधर। कारण पता चला? कारण ये पता ये चला कि भैया मोबाइल की जिद कर रहे थे, माँ बाप ने मोबाइल नहीं दिया, इस कारण मारो फोटो। उधर कालावाली में 16 जनवरी को देश सुमलकाना रोड पर हुए डबल मर्डर कांड में डबवाली एसआईटी की टीम कालावाली के डीएसपी यादराम, थाना प्रभारी रामफल और इंचार्ज प्रेम कुमार की अगुवाई में वारदात स्थल की निशानदेही करवाने के लिए मुख्य आरोपी जगशीर सिंह जग्गा और उसके साथी बहमन को लेकर पहुंचे और निशानदेही कराने का काम किया। आरोपी जग्गा ने पुलिस को बताया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी पर कहां और कैसे वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि 16 जनवरी को अपने साथियों के साथ मिलकर दीपू और उसके साथी वीरेंद्र का मर्डर कर दिया गया था। दीपू के साथी जग्गा भी घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि दीपू और उसके साथियों ने जग्गा के भांजे मनप्रीत को पीटा था और उसके जूते भी रख लिए थे और कहा था कि तेरे मामा में दम है तो जूते ले जाए। मुख्य आरोपी जग्गा और उसके साथी मिंदी ने पुलिस छह दिन की रिमांड पर रखा हुआ है। साथ ही कहा कि पुरानी रंजिश के चलते डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। पुलिस अभी आगे की पूछताछ कर रही है। आरोपी है जो दो हत्या कांड के मुख्य आरोपी जगह आज ले गए हैं, तो आज घटनास्थल की उन्होंने निशानदेही करवाई जहां उन्होंने क्राइम को अंजाम दिया था और उसके बाद यहां से मौका छुपा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।